5000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में आपको, मुझे, हम सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके सपोर्ट के बिना ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल नहीं थी और इसीलिए आज मैं आंसर करने वाला हूँ 38 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे पूछे हैं रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस में जो रियल होते हैं, स्कैम वाले नहीं होते हैं, मैं इतना सा भी इंटरेस्ट है, दिस इज अ परफेक्ट चैनल फॉर यू। सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट Q&A जो हमारा होगा, एपिसोड 2 जो होगा, वो होगा 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस जल्दी से जल्दी देखना तो सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 350 लाइक्स। बहुत कम रख रहा हूं इस बार। और हाँ, जो मैंने लास्ट वीडियो किया था जहां पे हमने टारगेट रखा था 550 लाइक्स का, जो पूरे होने के बाद में मैं अपने आप को एक चैलेंज दूंगा जहां पे मैं 4 दिन के अंदर अंदर एज अ बिगिनर फाइवर पे नया अकाउंट क्रिएट करके एक गिग बेच के कुछ पैसा कमा के दिखाऊंगा। वो वाला चैलेंज अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि उस पर हो चुके हैं 570 के ऊपर लाइक्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहला क्वेश्चन है नीपम शर्मा का, जो कि पूछते हैं, जस्ट लव द वे यू मेक कंटेंट फॉर अस, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर इन द नेक्स्ट 5 years, यू आर रियली एन इंस्पायरिंग यूट्यूबर, टेक केयर एंड लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम कर्नाटका एंड लव फ्रॉम इंडिया। नीपम, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड यू लाइक द कंटेंट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर दूंगा क्योंकि 38 क्वेश्चन हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, 5 साल बाद में अपने आप को मतलब ऐसा कुछ इमेजिन नहीं करता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, पर जो मैं अपने आप को करता हुआ देखना चाहता हूँ कल, परसों, अगले साल, 2 साल बाद में, वो ये है कि सच्चाई के साथ में मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करता रहूँ, जो जो चीज़ें गलत है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ, बस यही करना चाहता हूँ। 5 साल बाद में भी मेरा यही प्लान रहेगा एंड दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू डू। आई वॉन्ट टू बी एज यूजफुल एज पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अगर मुझे कोई एक इंसान भी ऐसा मैसेज करके बोलता है कि सर आपकी वजह से मैं बच गया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है एंड दैट इज़ वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू सी लेटर एज वेल। मतलब 4 साल, 5 साल, 10 साल, हमेशा, सालों साल यही देखना चाहता हूँ। दितिल सो गोदाम पूछते हैं, एज कितने साल से इस फील्ड में हो आप? तो मेरी एज है 32 और काफ़ी बड़ा हूँ आप लोगों से, पर फिर भी आप मुझे भाई बोल सकते हैं, सर बोलने की ज़रूरत नहीं है। कितने साल से इस फील्ड में हूँ, तो अगर आप बात करें YouTube की, तो मैं पिछले आई गेस 8 या 9 साल से मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल बनाए हैं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करा है, तो जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि पेशेंस, डेडिकेशन वाली बातें, तो वो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको जुबानी बोलता रहता हूँ कोई भी चीज़ें। 8 साल से YouTube करने के बाद में भी अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली है, पर फिर भी आई एम नॉट लूजिंग होप। मैं कोशिश करता रहता हूँ, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। मैं इस तरीके की वीडियोस पहले भी करता था, पर मैंने कुछ वीडियोस करके छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। पर अब मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डेडिकेटेड ऐसा चैनल बनाऊंगा जहाँ पर मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, क्योंकि बकवास वीडियोज़ बनाने वाले लोग, धोखा देने वाले वीडियोज़ जो आपको बहुत बनाते रहते हैं, ऐसे चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अकेला चैनल हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता और कौन कौन कर रहा है, पर फॉर श्योर और भी कुछ लोग कर ही रहे होंगे, तो यही चीज आगे चलती रहेगी। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट आदित्य झा आस्क अखिल, पहला योर इंस्पिरेशन। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा कोई इंस्पिरेशन ऐसा है नहीं, मुझे कुछ कुछ लोगों के कुछ कुछ काम पसंद आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा ही मुझे पसंद आता है। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर लाइफ में है तो वो है, एक तो मेरे फादर और दूसरा मेरा बड़ा भाई जो मुझसे लगभग 6 से 7 साल बड़े हैं, और तीसरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी, जिन्होंने डेफिनेटली मुझे पेशेंस रखना काफ़ी सिखाया और लड़ना सच्चाई के साथ में, वो मुझे अपने पिताजी और अपने बड़े भाई से मिला है। दूसरा, हाउ टू मैनेज स्टडी एंड यूट्यूब। तो देखो यार, होता क्या है ना कि अगर आप डेडिकेट कर लोगे ना टाइम कि मुझे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा ही देना है यूट्यूब के लिए, तो आप पॉसिबली कर सकते हो। अगर आज का 1 घंटा है तो आप पूरा स्क्रिप्ट बनाने में या जो रिसर्च करनी है उस चीज़ में लगा सकते हो, और जब आपकी वो चीज़ें रेडी हो जाएगी शूट करने के लिए आपको लगेगा 1 घंटा, तो आप कल कर लो, और जब शूट हो जाएगा तो उसके अगले दिन आप एडिट कर लो, क्योंकि एडिट करने में भी लगभग आपको 1.5 घंटा लगेगा, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। तो वीक में 4 या 5 वीडियोज़ ना करते हुए वीक में 1 वीडियो या 2 वीडियो भी करोगे तो गुड इनफ। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन आपका है, हाउ टू गेट व्यूज इन वॉच टाइम इन इनिशियल स्टेज। तो देखो यार, मेरा फंडा एकदम सिंपल है। पहली चीज़ तो ये कि आप जितना अपने जो नोन लोग हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो करो, स्पैम मत करना। दूसरी चीज़ जो आपको करना होगा वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स का ध्यान रखो जो हो सकता है शायद आपको ज़्यादा व्यूज़ दिला दे। और तीसरी चीज़ ये होगी कि सच्चाई के साथ में वीडियो करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो,
प्रीटी श्योर आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन आपका है, व्हाट्स योर अपकमिंग प्लान्स? तो यार अपकमिंग प्लान तो सिर्फ यही है, जो हमारा हैशटैग कब जागोगे जो मैंने छोटा सा कैंपेन स्टार्ट करा है, उसको कोशिश करूंगा बड़े से बड़ा लेवल पे पहुंचाने के लिए। कुछ वीडियोस हैं लाइंड अप उसी चीज से रिलेटेड जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। उसके अलावा अगर बात करो मेरे पर्सनल प्लान्स का, तो देखो यार मेरे ना प्लान चेंज होते रहते काफ़ी, और मैं अभी करंटली भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूं, तो कभी फुर्सत में पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी बताने बैठा तो एक डेढ़ घंटे का वीडियो डेफिनेटली खिंच जाएगा, और फिर आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि भाई आप भी संजीव जी बनते जा रहे हो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जोक्स अपार्ट, पांचवा क्वेश्चन आपका है, विच यूट्यूबर यू लाइक द मोस्ट? नो वन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे किसी का ये वीडियो अच्छा लगता है, किसी का वो वीडियो अच्छा लगता है, तो ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज, विच फाइवर गिग इज बेस्ट फॉर मोर ग्रोइंग? तो अदनान, आई विल एक्चुअली बी डूइंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस वन, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गिग अच्छे हैं क्या अच्छे नहीं हैं। और ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा कोई बेस्ट फाइवर गिग नहीं है जो आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उस चीज़ को ऑफर करेंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे और वही आपको आगे लेके जाएगा। ना कि कोई ऐसी चीज़ में फोकस करो कि भाई ठीक है ये आज अच्छा है, हो सकता है कल ही अच्छा ना रहे, तो उस चीज़ का भी आप डेफिनेटली ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक मेघानी, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक ऑनेस्ट कंटेंट इन दिस यूट्यूब? या देखो, मेरा सिंपल इंस्पिरेशन जो है वो डेफिनेटली ये है कि जो बकवास के जो वीडियोस हैं मैंने भी काफ़ी देखे हैं, मैंने भी काफ़ी चीज़ों में ट्रस्ट करा है, पर वो बात अलग है, मैंने उसको कभी इंप्लीमेंट किया नहीं। पर काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मतलब यार ये चीज़ बड़ी सही है, इसको करते हैं इससे मस्त पैसा आ जाएगा, 1000 रुपये लगाऊंगा मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाएगा। ऐसे वीडियोज़, इस तरीके के ऐप, इस तरीके के प्रमोट करने वाले लोग बहुत हैं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि जब इतनी गंदगी फैल ही रही है तो कोई ना कोई तो और आना चाहिए सफाई करने वाला, तो सिर्फ साफ करने के लिए मैंने सोचा कि डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। ड्राइंग फॉर किड्स इज आस्किंग, सर व्हाट्स योर फेवरेट फूड? देखो यार, आई एम अ बिग फूडी, मुझे सी फूड के अलावा ना बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। मतलब मैं सी फूड मुझे पसंद नहीं है, मैंने खाया है काफ़ी बार, मैंने बीफ पोक और ये सब चीज़ें कभी ट्राई भी नहीं करी और मैं खाना भी नहीं चाहता हूँ। नॉट फॉर रिलीजियस रीजन, से ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट कि मतलब मुझे लगता नहीं कि मतलब मेरा वो टेस्ट होगा। तो मुझे चिकन काफ़ी पसंद है, मुझे मटन कुछ लेवल तक अच्छा लगता है, मुझे बाकी पूरा जितना भी खाना वाना होता है सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। आई एम अमेजिंग कुक फॉर इटालियन, मैं खाना बनाना भी काफ़ी पसंद करता हूँ, खाना बना के खिलाना और खुद खाना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सत्य प्रकाश मोहंती, शादी हो गई आपकी, एक फ़ोटो प्लीज़, हैप्पी फैमिली वाला। तो देखो भाई, शादी यस हो चुकी है और कभी अगर मौका मिला तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूँगा अपनी फैमिली को, मतलब एक फैमिली को दूसरी फैमिली से ज़रूर मिलाऊँगा। तो आई होप दैट विल बी ओके सत्या। नेक्स्ट वन, जतेश सिंह खनुजा, ओ इन्होंने ही क्वेश्चन पूछा था, वो संजीव जी वाला जो क्वेश्चन था, ही इज आस्किंग कि सर फोटोग्राफी से ऑनलाइन मनी कैसे कमाएं? तो जपेश, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ फोटोग्राफी से आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन, तो लेट्स वेट फॉर दैट ताकि आपको डिटेल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अंश, सर हाउ कैन स्टूडेंट्स मेक मनी ऑनलाइन? वी गाइज डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर फ्रीलांसिंग सच एज फाइवर। तो देखो, पहला आपका जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। हाउ कैन स्टूडेंट्स मेक मनी ऑनलाइन? ऑफकोर्स आपको काम करना पड़ेगा ऑनलाइन, ताकि उसी से ही आप ऑनलाइन पैसा कमा पाओगे। तो स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हाउसवाइफ हो, सभी के लिए प्रोसेस सेम रहेगा, आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। और अगर आप बोल रहे हैं कि आपको टाइम नहीं है पैसा कमाने के लिए, फ्रीलांसिंग नहीं करने के लिए, तो देखो यार, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो फिर भी अगर आप काम कर रहे हो, मतलब असाइनमेंट्स ले रहे हो, तो वो फ्रीलांसिंग होती है। तो फ्रीलांसिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप बोल रहे हैं आपको इनफ टाइम नहीं है फ्रीलांसिंग करने के लिए, तो आप कुछ भी काम करेंगे, 1 घंटा भी करेंगे, वो भी फ्रीलांसिंग होती है। अगर आप किसी के लिए कोई बिना जॉब करे, बिना पूरा 100% डेडिकेट करे हुए अगर आप कुछ काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग होती है। तो अगर आपके पास में फाइवर के लिए टाइम नहीं है, तो दोस्त आपको डेफिनेटली किसी और चीज़ के लिए काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ईजी तरीका मैं बता दूँ जिससे आपको ईजी पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इस चैनल पर मैं आपको डेफिनेटली कड़वा सच बोलता हूँ, तो मैं उसी पर ही स्टिक रहूँगा। अगर आपके सपने ये हैं कि आप 15-20 मिनट ऐसे निकाल के अगर बहुत पैसा कमा लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आपका सपना चूर चूर करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, परंस दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू विल डेफिनेटली हैव टू टेक आउट टाइम। टाइम किसी के पास में नहीं है। अगर चीज़ें मैनेज करनी है, कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गंवाना भी पड़ेगा, जो कि होगा आपका टाइम। कम सो
टाइम पे सो, गेम मत खेलो, दोस्तों से थोड़ा कम मिल लो कुछ टाइम के लिए, जब सब सेट हो जाएगा तो उसके बाद में जिंदगी आपकी है, काफी मस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आदित्यनाथ। सर आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, आपका काम मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आपके क्वेश्चन है 3, आप कहाँ रहते हैं? मैं बैंगलोर में रहता हूँ। आप इस ऑनलाइन से कमाना और यूट्यूब ये दोनों से कम पैसे कमाते या और कोई जॉब करते हैं सर? ओके, तो देखो यार मैं कुछ काम ऑनलाइन भी करता हूँ और YouTube से भी कुछ कमा लेता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, मतलब YouTube से कमाई मेरी इतनी होती है, कुछ किसी ने पूछा नहीं मेरी YouTube की इनकम। मेरा एक मेन चैनल भी ऑलमोस्ट सोशल, जहाँ पे मैं पिछले एक महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी फोकस करना था आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, पर अब टाइम आ गया है कि मैं यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह पे रेगुलर रहूँ। तो YouTube भी मैं करता हूँ, तो मेरा जो पेमेंट आता है YouTube का वो सिर्फ इतना होता है कि मेरा बिजली का और इंटरनेट का बिल मैं पे कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और इन दोनों काम के अलावा मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ, मैं एक वेडिंग इवेंट एंड लाइफस्टाइल फोटोग्राफर हूँ, पर क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये सभी जो पैंडमिक चल रहा है इस वजह से मैं फ़ोटोज़ नहीं खींच रहा हूँ, मैं असाइनमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना पूरा टाइम ऑनलाइन काम करने में ही लगा रहा हूँ। तो कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा हूँ, डिटेल में कभी आपको वीडियो में बताऊंगा, जब वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे आप कैसे कर सकते हैं वही चीज़ को। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, आप इस यूट्यूब में आने का इंस्पिरेशन क्या है? तो इसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ आदित्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय टाइडिंग्स उज्जवल। यार मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, तो नेक्स्ट टाइम से ना 2 क्वेश्चन से ज़्यादा मत पूछना, अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो जो सिंगल वर्ड में आंसर होता है। हाउ कैन वी ग्रो आर यूट्यूब चैनल? तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है पहले। क्या आपको भी लगता है कि किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होते हुए भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाने के बाद उसको शेयर कर देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज ऐसी है, क्योंकि होता क्या है ना कई बार अगर आप कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन अगर किसी के साथ में शेयर कर देते हो, अगर आपने कभी उस चीज़ के बारे में ना तो डिटेल में रिसर्च करी है ना कि प्रैक्टिकली किया है, अगर आप वही चीज़ अपना कोई इन्फ्लुएंस निकाल के शेयर कर देते हो तो वो किसी के लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आधी अधूरी जानकारी डेफिनेटली खतरनाक होती है, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 18 माइनस अगर थोड़ा सही पैसा कमाना चाहे लाइक 17,000 पर मंथ, तो उनके लिए बेस्ट वे क्या होगा, सजेस्ट कर सकते हो? या देखो जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उज्जवल, कि माइनर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, सिर्फ एक चीज़ चेंज ये होगी कि जब भी आप अपना पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स डालेंगे तो वो आपकी नहीं होगी, वो होगी आपके पेरेंट्स की, आपकी गार्जियन की। अगर आप बात करें 17,000 पर मंथ, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। 17 क्या मतलब आप 17,000 क्या आप 170,000 या उससे भी ज़्यादा आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, पर डेडिकेशन, मेहनत, कंसिस्टेंसी बहुत जल्दी और बहुत रेगुलरली लगेगी। तो उस चीज़ के लिए आपको ध्यान ही रखना होगा कि आप इनफ टाइम डेडिकेट कर पाएँ, और साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था वो ये कि आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं या किस चीज़ को सीख के आप काम करना चाहते हैं। आपका 4th क्वेश्चन है, बेस्ट सजेशन फॉर यूट्यूब चैनल विद योर एक्सपीरियंस। तो यार देखो ऐसा डेफिनेटली कोई मतलब पर्टिकुलर जॉनर नहीं है जो सिर्फ चलेगा ही चलेगा, गारंटीड। आपने देखा होगा हर जॉनर में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो चलते ही नहीं है, उनके ना चलने के काफ़ी सारे कारण हैं, इनकंसिस्टेंसी है, ख़राब क्वालिटी है, ख़राब टॉपिक्स हैं, ख़राब वीडियोस वो बनाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सभी चीज़ें जिनके ऊपर आपको स्लोली काम करना होता है। स्लोली इम्प्रूवमेंट अगर आपके दिखते रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप डेफिनेटली ग्रो करते हैं, नो मैटर व्हाट निश व्हाट टाइप ऑफ दिस जॉनर यू आर एक्चुअली चूजिंग। तो ये हो गया उज्जवल के सवाल। उसके बाद में अमन रिव्यू इज आस्किंग, ब्रो एक वीडियो में आर्टिकल लिख के अप्रूव करने वाला वीडियो बनाना किसी साइट पर? बिल्कुल करूंगा अमन। अभी फ़िलहाल के लिए हम राइटिंग और ब्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले फाइवर की सीरीज़ ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके बाद में कुछ और भी छोटे छोटे प्लान्स हैं वो ख़त्म करके लगभग 1 या 2 वीक बाद में हम ब्लॉगिंग और राइटिंग वाले वीडियोस भी रेगुलरली करना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर श्योर उस टाइम पे मैं ये चीज़ डेफिनेटली करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से क्या चीज़ आप और कितनी मेहनत लगेगी उस चीज़ में, वो सभी चीज़ें बताऊँगा आपको प्रैक्टिकली, बी अश्योर्ड। उसके बाद में अब्दुल रहमान इज आस्किंग, ब्रदर हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम बाय सिंगिंग वीडियोस विदाउट यूजिंग ओनली मोबाइल, एनी सजेशंस? या देखो अब्दुल, सिंपल सा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे या किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको ग्रो करना है, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इज द की। अगर आपके पास मोबाइल फोन भी है, मोबाइल में रिकॉर्ड करो यार, रेगुलरली अपलोड करते रहो,
सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए ये रहेगी कि जो नए नए गाने आते हैं ना, जैसे ही रिलीज होते हैं, विद इन 2 or 3 days आप उसका कवर बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दीजिए और वो जो आर्टिस्ट है, जो ओरिजिनल सिंगर है, उनको टैग कीजिए। जितने ज़्यादा रिलेवेंट लोगों को आप टैग करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हैशटैग एकदम रिलेवेंट यूज़ कीजिए, कुछ भी पॉपुलर सा हैशटैग, कुछ भी इरेलेवेंट हैशटैग यूज मत कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो सीरीज है जिसका नाम है इंस्टाग्राम फेमस, जो मैं ऑलमोस्ट सोशल, जो मेरा मेन चैनल है, उस पर मैंने काफी वीडियोस किए हैं, लगभग 50 के ऊपर वीडियोस किए हैं, वो आप डेफिनेटली जाके देखिए, आपको फॉर श्योर हेल्प करेगा। मयूर बैदेस आस्किंग सर, कंटेंट राइटिंग की इतनी सारी वेबसाइट बताई है आपने, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो बनाइए विद पेमेंट प्रूफ, तो द सेम क्वेश्चन, यस मयूर, आई विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। अचलपुर व्लॉग इज आस्किंग, अखिल भाई मिक्सिट पर वीडियो बनाओ। या मिक्सिट के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोशिश करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो करने के लिए, अगर पॉसिबिलिटीज होंगी तो फॉर श्योर आई डू दैट। रोजलिन बिस्वाल इज आस्किंग, हेलो सर, आई वॉन्ट टू अर्न विद फ्रीली, प्लीज काइंडली हेल्प मी। या फ्रीली अगर कोई वेबसाइट है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, पर अगर आपका मतलब है कि मतलब आपको फ्री में पैसा कमाना है, मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रोजलिन, रियली सॉरी। आप अगर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अगर अपने इस सवाल को हिंदी में पूछना चाहें पूछ सकते हैं, पर मेक श्योर करिए कि मुझे वो चीज़ समझ में आए और मैं उसी कमेंट का रिप्लाई करके आपका जो ये आंसर है डेफिनेटली दूंगा कमेंट में ही। रिचा शर्मा इज आस्किंग, प्लीज प्रोवाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स इन्फॉर्मेशन। रिचा जी, मैं माफ़ी चाहूँगा पर मैं यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ इस चैनल पे, और जो चीज़ आप पूछ रहे हैं वो बहुत सिंपल है, एक सिंपल गूगल सर्च आपको वो चीज़ डेफिनेटली दे देगा जो आप यहाँ पे चाह रहे हैं, तो फॉर श्योर दिस विल बी हेल्पफुल। तो अगर आप एक बार गूगल सर्च करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। दीप कोतड़िया इज आस्किंग, हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल टू क्लाइंट, कैन यू प्लीज और कैन यू टेल अस वॉट टू राइट एन ई मेल। डीप एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ और लोगों ने भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, तो एक वीडियो डेफिनेटली होगा एंड प्रीटी श्योर आपको अपना जो आंसर है उसका जो जवाब है, आपको जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। गुरु एंड चेलाज इज आस्किंग, योर बैकग्राउंड म्यूजिक, तो मेरे जो बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम है बुक द रेंटल विद इट, और ये मैंने YouTube की लाइब्रेरी से, ऑडियो लाइब्रेरी से एक्चुअली डाउनलोड किया था आई गेस। योर एडिटिंग टिप्स, तो यार देखो मेरी सिंपल एडिटिंग टिप यही रहेगी कि एडिट टू द पॉइंट। स्टार्टिंग में अगर नहीं आता है तो डू नॉट ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्लोली यू कैन लर्न एंड यू कैन डू इट। जिस तरीके की मैं वीडियोस करता हूँ, मैं नॉर्मली सिंपल एडिटिंग ही करता हूँ, कुछ लट्स हैं, कुछ कलर करेक्शन है जो मैं करता हूँ थोड़ा सा वीडियो को और थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए। बाकी अगर आप चाहेंगे कभी फ्यूचर में तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर दूंगा। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सोशल, अपना जो मेन चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो किया है हाउ आई एडिट माई वीडियोज़, तो अगर हो सकेगा तो उसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल पता लग जाएगा कि कैसे करना है। और वैसे मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है फाइनल कट प्रो, जो मैं अपने मैकबुक पर यूज़ करता हूँ, मैं अडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करता हूँ। योर जर्नी हाउ यू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन एंड योर माइक्रोफोन ऑल्सो, ओके। तो मेरी जो जर्नी है ऑनलाइन पैसा कमाने की वो स्टार्ट हुई थी आई गेस जब मैं MBA कर रहा था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे एक सीनियर थे, जैसे ही मैं आया था कॉलेज तो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे अपने ब्लॉग का लिंक दिया। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था ब्लॉग होता क्या है, तो वो मार्केटिंग रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते थे, तो मैंने वो देखा, मेरे को लगा यार बड़ा सही है, मैंने जो अपना MBA किया वो HR में ऑपरेशंस मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी एक ब्लॉग बनाऊंगा HR रिलेटेड। उन्होंने कहा, वो मार्केटिंग वाले थे, उन्होंने मार्केटिंग वाला बनाया, मैंने HR वाला बनाया। स्टार्टिंग के मेरे 2 या 3 ब्लॉग ऐसे होते थे जो कॉपी पेस्टेड होते थे, मतलब किसी दूसरे ब्लॉग पे जाके वहाँ से पूरा कॉपी करा और अपने ब्लॉग पे आगे डाल दिया और खुश हो जाता था। पर 2 या 3 ब्लॉग डालने के बाद मैं रियलाइज़ किया कि भाई ऐसा नहीं है, आप किसी और के कंटेंट को नहीं डाल सकते और ये सही भी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना होगा। उसके बाद से मैंने अपने जो थॉट्स हैं वो HRReview.blogspot.com करके एक ब्लॉग हुआ करता था मेरा, तो मैं उसके ऊपर डालता था और कुछ ही टाइम बाद मैं थोड़ा सा हल्का छोटा मोटा पैसा आने लगा एडसेंस से, और उसके बाद से उसी ब्लॉग के थ्रू मुझे कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट भी करा जो चाहते थे कि मैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखूँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई गेस दिस वॉज 2008। और उसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योर माइक्रोफोन, तो ये है सेरामोनिक का ब्लिंक 500, जिसमें एक तो ये हो गया ट्रांसमीटर, मैंने जो रिसीवर है वो अपने कैमरा पर लगाया हुआ है, और इसी के अलावा मेरे पास में एक और ट्रांसमीटर भी है, तो ये 2 ट्रांसमीटर का सेट आता है और एक रिसीवर का सेट आता है, और हाँ यही है एक्चुअली, मैं ये देख लीजिए अपना
तो दो लोग साथ में, अगर दो लोग ये सेम चीज़ लगाते हैं तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली यूज़, और मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। इसमें एक्चुअली पोर्ट भी है जिसमें मैं वो लगा सकता हूँ, लेपल माइक लगा सकता हूँ, माइक्रोफोन लगा सकता हूँ, पर मैं नहीं लगाता, मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि वैसे भी जहाँ मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर इतना कोई शोर शराब होता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्कल गेमर, आस्क अखिल व्हाट इज़ योर एज 32, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन ऑलरेडी आंसर्ड, वेयर आर यू फ्रॉम बैंगलोर ऑलरेडी आंसर्ड। प्रताप कुमार वर्मा इज आस्किंग कंग्रेचुलेशंस फॉर आई के, कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल प्रताप, टू द इंटायर फैमिली। मेरा क्वेश्चन है कि राइटिंग वाली सारे काम के लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो कोई यूट्यूब चैनल बता दीजिए जहाँ काम की इंग्लिश सिखा दी जाए। तो मैं एक और कड़वा सच बताना चाहूँगा प्रताप आपको, आपको जितने भी ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, जो मेरे नोन हैं, उनमें से सभी के सभी ऐसे कंटेंट करते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जो बायस्ड होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल हैं जहाँ पे आपको सीखने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप खुद यूट्यूब पे सर्च करिए जहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है। उसी के अलावा अगर आप, एक ऐप है जो फ्री ऐप है जिसका नाम है डुओलिंगो, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर DUOLINGO, यहाँ पे आपको एकदम अच्छे तरीके से ना वो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हो। मैं ये सेम ऐप यूज़ करता था जब मैं फ्रेंच सीखता था, काफ़ी अमेजिंग ऐप है, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं आगे और आप डेफिनेटली उससे काफ़ी अच्छा सीख सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा स्टार्ट यूजिंग डुओलिंगो, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स और बुक्स, और तीसरा स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज और थिंग्स विच आर एक्चुअली इन इंग्लिश। मतलब ये चैनल मत छोड़ देना, हिंदी में है तो, पर सीखने के लिए आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ बाय आवेज मोमिन, भाई मैं काफ़ी बड़ा नहीं हूँ, 10th क्लास में हूँ, मैं लगातार आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, क्या मैं ये ऑनलाइन तरीके ट्राई करूँ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। नेक्स्ट इज़ बाय प्रीत कोहिनूर, सर क्या बाइनमो जैसी ऐप से ट्रेडिंग करके सच में अमीर बन सकता है? प्लीज़ एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज़ बाय आरजे वाओ वीडियोज, लव फ्रॉम पनवेल, लव बैक बड़ी। भाई लीड्स आर्क पे वीडियोस कब आएगी? भाई अभी तक कोई प्लान नहीं है, मतलब एक वीक और तो नहीं आएगी लीड्स आर्क पे वीडियो, पर उसके बाद मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी लिखा हुआ है अपनी लिस्ट में, जब आपने लास्ट टाइम भी कमेंट किया था, कुछ और लोगों ने भी सेम चीज़ पर रिक्वेस्ट करी है, तो वीडियो करूंगा, पर एक वीक बाद में ही आएगी इस चीज़ के ऊपर वीडियो। नेक्स्ट इज बाय जगदीश जांगरा, प्लीज़ गाइड अबाउट राइट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। यार मतलब मैं नहीं समझा, मतलब अगर आप ये सोच रहे कि मैं आपको ये बताऊं कि मतलब एक अच्छा सस्ता बजट वाला लैपटॉप, तो देखो यार जगदीश, ऑनेस्टली बोलूँ ना, मैं इतना ज़्यादा टेकी इंसान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं टेकी इंसान हुई ही नहीं, और मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इतना देख लीजिए कि 4GB RAM के ऊपर आपका लाइट काम तो हो ही जाएगा, ऐसा लैपटॉप देख लीजिए, और जो आपका बजट है आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी रहेंगे। मे बी जो टेक वीडियोस करते हैं, जो लैपटॉप के रिव्यूज़ करते हैं, आप उनको पूछिए एक बार ईमेल करके या कमेंट करके, आई थिंक दे माइट बी द राइट पर्सन। नेक्स्ट इज़ बाय फ्रेडरिक कार्नियरो, बेस्ट वेज टू अर्न ऑनलाइन फॉर अ फ्रेशर ऑन एनी फ्रीलांसिंग साइट्स, ऑल्सो फ्रीलांसिंग साइट्स यू रिकमेंडेड। फ्रेडरिक, लाइक आई मेंशन, ऑल यू विल हैव टू डू इज फोकस ऑन व्हाट यू आर एक्चुअली गुड एट और व्हाट एग्जैक्टली यू एक्चुअली वांट टू डू, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन द वेबसाइट, बिकॉज इफ इन केस यू चूज समथिंग विच इज राइटिंग, तो उसी से रिलेटेड आपको राइटिंग वेबसाइट्स को चूज करना होगा, एंड देर आर डेफिनेटली नो बेस्ट वेबसाइट और वेबसाइट्स। कुछ अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स होंगी तो फॉर श्योर उसके लिए जो डिमांड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, आपको वहाँ पे काम मिलना काफ़ी कम हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बहुत टफ होगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और आपको एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट्स टफ कॉम्पिटिशन, एवरीवन इज एक्चुअली लुकिंग टू मेक मनी ऑनलाइन, सो यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड। नेक्स्ट वन इज बाय जय शॉ, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के कॉपीराइट्स के बारे में, और वो कैसे सॉल्व करना और कैसे बचना उसे, और कितने स्ट्राइक्स मिलते हैं? या देखो YouTube की अगर बात करो तो आपको 3 स्ट्राइक्स मिलते हैं, पहला स्ट्राइक पहली वार्निंग, दूसरा स्ट्राइक आपका कुछ फीचर चला जाता है, हर स्ट्राइक के साथ में आपको कुछ ना कुछ फीचर चला जाता है, और तीसरा स्ट्राइक आपका चैनल ही चला जाता है, इट्स नॉट कमिंग बैक एवर। अगर आपको 6 महीने के अंदर अंदर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं, तो 6 महीने बाद में या 3 महीने बाद में शायद आपका जो करंट स्ट्राइक है वो चला जाता है। तो ये हो गई बात कॉपीराइट के बारे में यूट्यूब पर। मेरा सजेशन रहेगा कॉपीराइट से बेस्ट तरीका है बचने का, वो ये है कि ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, किसी और के कंटेंट को शेयर ही मत करो, मेरा वही सजेशन रहेगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न न्यू थिंग्स, डू दैट। नेक्स्ट वन इज बाय युगाज लाइफ, साइड हसल करते हुए 20 से 30 हज़ार कमाना कैसे बट रेगुलर इनकम, इट्स प्रीटी टफ। अगर आप बात करें साइड हसल की, तो फॉर श्योर साइड हसल करते हुए पैसा कमा सकते हो,
पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप स्टार्टिंग में ही 20,000 30,000 और रेगुलर इनकम कमाने लगेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। जॉब में ऐसा नहीं होता, आपको जितना भी काम करेंगे आपको सेम पैसा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। 20,000 30,000 डेफिनेटली पॉसिबल है, पर आपको हसल बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद में जब चीज़ें थोड़ी स्मूथ होने लगती है तो थोड़ा हसल कम हो जाता है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। तो युगा सेम चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इज बाय आदित्य झा, एडिटिंग ट्यूटोरियल प्रीमियर प्रो, हाउ यू एडिट एंड कलर ग्रेडिंग इफ आई एम रिकॉर्डिंग माय वीडियो इन फोन। पहली चीज़ तो ये कि लाइक आई मेंशन आई डू नॉट यूज़ प्रीमियर प्रो, आई यूज़ फाइनल कट प्रो एक्स। और हाउ आई एडिट, मैंने एक वीडियो किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कलर ग्रेडिंग के ऊपर आई विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन दैट चैनल ऑलमोस्ट सोशल समटाइम वेरी वेरी सून। नेक्स्ट इज बाय गेमिंग एंड व्लॉगिंग, सर रेव सेफ है कि नहीं क्योंकि मुझे 3 महीने से पेमेंट नहीं आए। तो रेव डेफिनेटली जहाँ तक मैंने सुना है सेफ है, पर्सनली ट्राई नहीं किया है। 3 महीने से आपकी पेमेंट नहीं आई है तो दिस इज़ अ कंसर्न, मे बी ड्रॉप मी एन ईमेल विद ऑल द डिटेल्स। ये चेक कर लेना कि जो मिनिमम उनका जो पे आउट होता है, अगर $50 है $100 है, वो मीट हो गया है कि नहीं, वो चेक कर लेना एक बार। और नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, कुछ आपके रिजेक्शन तो नहीं हुए हैं या कोई प्रोफाइल में इशू तो नहीं है, या आपने पेमेंट की जो डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है वहाँ करिए कि नहीं करिए, विदड्रॉ पे आपने रिक्वेस्ट कराया कि नहीं कराया, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चेक कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट इज बाय संकेत मात्रोजा, यू शुड टॉक अबाउट इंटर्नशाला फॉर इंटर्नशिप लाइक वर्क फ्रॉम होम एग्जाम्पल सोशल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग। सी आई एक्चुअली डिड आई गेस सेकेंड वीडियो वॉज ऑन इंटर्नशिप्स, जहाँ पे आई एक्चुअली मैंशन इंटर्नशाला एज वेल। This is not really that reliable to be very honest, because all you'll be making is 1,000, 2,000, 3,000 rupees and there are not a lot of opportunities there. जो चीज़ें शेयर करी है वो ऑलरेडी उसमें है। कोशिश करूँगा अगर कुछ नया मुझे मिलता है इस वेबसाइट में बताने के लिए और वेबसाइट में बताने के लिए जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो करके डेफिनेटली आई विल बी डूइंग दैट। नेक्स्ट इज बाय तथागत कुमार, आई एम 16 years old, कैन आई डू पार्ट टाइम जॉब ऑफ फ्रीलांस, प्लीज रिप्लाई येस यू कैन। नेक्स्ट इज बाय दिलराज भुल्लर, कैन वी ट्रस्ट संजीव वर्मा। ये संजीव वर्मा जी कौन है पहले तो मैं चेक कर लूँ। तो संजीव वर्मा वीडियोज़ देखते हैं इनके, क्या मतलब ये तो मोटर वोटर फैन ये सब वाले वीडियोज़ मुझे लग रहा है ट्रस्ट कर सकते हो। अगर मतलब आपकी चीज़ रिपेयर हो जाएगी तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट दिलराज। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही कि शायद आप संजीव कुमार जी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मैं वो चीज़ अज्यूम करते हुए ये भी आंसर करता हूँ कि देखो रही बात पहले ट्रस्ट की, तो पहली चीज़ तो ये जो मैंने उनके डेडिकेटेड वीडियो में बताया था, जो मैंने डिटेल वीडियो किया था उनके चैनल के ऊपर, कि वो आपको साइन अप प्रोसेस ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। और दूसरी चीज़ तो उस पर तो कि ट्रस्ट और नॉन ट्रस्ट वाली बात ही नहीं, कि जो है वो तो है। उसके बाद में दूसरी चीज़ जो वो करते हैं वो ये है कि हर चीज़ को वो बोलते हैं कि नो स्किल, आराम से मिल जाएगा, उस पर ट्रस्ट मत करो, मेहनत हर चीज़ में लगेगी। क्योंकि अगर उनको काम करके दिखाना पड़ेगा तो उनको पता लगेगा कि भाई हाथ कितने काले होते हैं इन कामों को करने के लिए, तो फॉर श्योर यू शुड नॉट ट्रस्ट दैट। नेक्स्ट इज बाय आयुष वैष्णव, भैया क्या स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन अर्निंग के लिए? येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात इसी चीज़ को आगे बात करने की, तो देखो होता क्या है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो ना, आप उस चीज़ में धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे होते रहते हो। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो, आप में स्किल नहीं है, वो पर्टिकुलर काम अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे, वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो आपको रेगुलरली काम नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए, आपका एक क्लाइंट, आज का क्लाइंट जिसने आपको एक छोटा सा काम दिया, अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको वो काम आगे फ्यूचर में भी देगा रेगुलरली, जो आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए यस स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन इट, अपग्रेड इट रेगुलरली, जब भी मौका मिलता है करते रहिए। नेक्स्ट इज बाय बाबा सिंह, कुछ नंबर दिया है, सर ये फ्रॉड कॉल करता है, कुछ करो सर इसका। या देखो बाबा सिंह, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सिर्फ इतना करना है इसको ब्लॉक कर दो, सबसे सिंपल सी चीज है, ब्लॉक कर दो, उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज बाय मिस्टर स्कोरनियम, ओके कुछ स्टाइल में लिखा है नाम। फ्रीलांसिंग के लिए स्टार्टिंग में आपने कैसे इक्विपमेंट और लैपटॉप और स्पेक्स यूज किए थे? या मेरा जो लैपटॉप था कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था, आई गेस 2GB रैम वाला था, ये बात है 2007 की आई गेस। तो ऐसा कोई भी लैपटॉप जो स्मूथली आपको काम करने के लिए अलाउ कर दे वो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई मिनिमम स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू डू। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, अगर आप फोटो एडिटिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स आपको 8GB से ऊपर रैम चाहिए होगा।
फॉर श्योर, ताकि आप स्मूथली कर पाएं चीज़ें। पर अगर आपका हैवी काम नहीं है, हैवी लोड नहीं पड़ता लैपटॉप पे, तो 8GB लैपटॉप शुड बी गुड इनफ। नेक्स्ट इज बाय तबीर कौर, सर देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड मोटिव जॉब्स, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दैट वेबसाइट फॉर अर्निंग मनी एंड ऑल्सो ऑन मेकिंग मनी फ्रॉम एडसेंस, आई विल बी डूइंग दैट फॉर श्योर। नेक्स्ट इज बाय, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट टिकटॉक वीडियोज, सारे यूट्यूबर आर आज तक मैंने देखा हाँ कोई सच्चे से नहीं बोलता ये मनी मेकिंग ट्रिक्स, बट आप टू द पॉइंट, व्हाट टुक यू टू टेक दिस इनिशिएटिव? आई ऑलरेडी आंसर दिस, सो बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये हैं वो सभी क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछा। मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन मिस हो गए, मैंने कोशिश करी सबके इंक्लूड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड करें तो डेफिनेटली 10,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अगर आपके पास में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखना मेरे दो, जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपका और मेरा साथ जरूरी है, उस साथ के लिए आपको पैसा वैसा को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी टेक केयर।